हेलो मानव, अब तुम्हें याद है ना कि उन्हें खाने में अब चाइनीज पसंद है। हाय देवर जी, चटनी रख दे। चाइनीज ही लूंगा। हाय देवर जी, अब चाइनीज चटनी कहाँ से लाएंगे? मानव, तुम्हें उनका हुलिया नाम हम सब अच्छे से याद तो है ना? हम गुप्ता जी, सुबह से आप 335 बार बता चुके हैं। बरेली की है, दिल्ली में रहती है, हाइट 5 फुट 6 इंच है। नाम का है उसका? नाम है चंद्रमुखी बहल। लल्ला रो रही है। अरे लल्ला रुक तो, देखो मम्मी, अगर अभी आपने मुझे दूध पीने को कहा या एक और पराठा खाने को कहा या एक और स्वेटर पहनने को कहा ना, तो मैं सच कह रहा हूँ मम्मी, सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस लखनऊ भाग जाऊंगा। अरे नहीं लल्ला, डर मत, हम तुझे ये पूछ रहे हैं कि वो चंद्रमुखी की उम्र का है। अरे मम्मी, मेरे कुंवारेपन को उनसे कोई खतरा नहीं है। शादीशुदा है? नहीं मम्मी, आपकी उम्र की है। हमारी उम्र की? हाँ। अब मम्मी जाओ, बहुत देर हो रही है, वैसे ही स्टेशन पहुंचने में भी टाइम लगेगा, पहले ऑफिस जाना है, उसके बाद बड़ी गाड़ी लेनी है, उसके बाद चंद्रमुखी जी को लेने जाना है। मैं निकलता हूँ मम्मी, हटिए ना। उसे लेने तू नहीं जाएगा? क्या? पर क्यों? क्योंकि तू ड्राइवर बन के नहीं जाएगा। अरे मम्मी, पर अगर तुझे जाना है तो हमारी लाश पे से गुजरना होगा, कसम दे दी है। पर सर, ये तो बहुत मुश्किल काम है। पर मुझे तुम दोनों पर पूरा भरोसा है। कमाल है सर, हमको खुद पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। आपको कैसे है सर? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग कुछ सीखो और आगे बढ़ो। आगे गड्ढा है, बढ़ेंगे तो गिर जाएंगे। नहीं सर, ये काम तो आप ही को करना होगा, वरना गुप्ता जी चिल्लाएंगे। गुप्ता जी को मैं संभालूंगा, पर जाओगे तुम दोनों ही, ये मेरा ऑर्डर है। हाय, कम ऑन मनोज रेशम, सीने में गहरी सांस लो, हिम्मत बढ़ाओ, कम ऑन, यू कैन डू इट मनोज रेशम, यू कैन डू इट। चल मनोज, अगर आज हमने गलती से ये काम सही कर लिया ना, तो हम प्रमोट हो जाएंगे। चंद्रमुखी आ रही है, तुम्हारी बचपन की सहेली? नाम सुनते ही पेट्रोमैक्स की तरह जगमगा उठे। अरे भैया, हमारी पसंदीदा साली जो है। हमारा नाम सुन के कभी ऐसा नहीं होता? हाँ होता है ना, तुम्हारा नाम सुन के भी होता है। हैं? अरे अच्छा, कब आ रही है? पिताजी, कौन आ रही है? अरे बेटा, चंद्रमुखी आ रही है, हमारी पसंदीदा साली। अरे वो हमारे बचपन वाली चंदा मौसी। हाय हाय, देवर जी इसी की बात कर रहे थे ना, ये वही है ना जिसे दादी सास ने आपके लिए चुना था और उसके बाद आपकी शादी सासू माँ से हो गई थी। आप किस्मत में लिखे और रोड़े, कहाँ से मिलेंगे पेड़े।